भगवान की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गणेश चौथ व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प कथा आपको उस दिन तो सुननी ही चाहिए और मैं आज आपको भी सुनाती हूँ। दो बहनों की कथा है, या यूँ कहें देवरानी जेठानी की कथा है। तो ये कथा बहुत ही फलदायी है जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए भी, जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी। व्रत की कथा सुनाने और सुनाने वाले दोनों को पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, व्रत कथा सुनने का नियम है कि आप हाथ में पुष्प और तिल ले लें, के बाद अपने सर पे लाल कपड़ा या पीला कपड़ा रखें, या साड़ी का आंचल दुपट्टा कुछ भी रखें। उसके बाद आपको ध्यान से कथा सुननी चाहिए। तो चलिए आज की कथा हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दो बहनों की कहानी है। तो एक बहन जो है वो धनी थी और एक बहन जो है वो बहुत गरीब थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो छोटी बहन गरीब थी वो बड़ी बहन के यहाँ काम किया करती थी, और काम के बदले में बड़ी बहन जो है थोड़ा सा अनाज या कुछ भी खाने पीने की सामग्री दे दिया करती थी। भरपूर नहीं देती थी, थोड़ा बहुत देती थी। उसी में संतोष कर जो छोटी बहन है वो अपने घर चली जाती थी संतोष करके, और अपने बच्चों को खिलाती थी, खुद भी खाती थी। तो वो बहुत गणेश भगवान की परम भक्त थी, पूजा पाठ करती थी। तो जब गणेश चौथ का व्रत का दिन आया, तुलकुटनी व्रत का दिन आया, या संकट चौथ व्रत का दिन आया, समय आया, तो वो जो है अपना व्रत रखी। तो नहाए खाए के दिन भी वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ जो है काम करने जाती है। तो बड़ी बहन भूल जाती है कि मेरी छोटी बहन जो है वो व्रत रखी है, व्रत करने वाली है, और क्या करती उस दिन अपनी छोटी बहन को कुछ भी नहीं देती है। अब छोटी बहन जो है सोचती, आज व्रत, कल मुझे उपवास करना है, आज नहाए खाए का दिन है और आज मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, अब मैं क्या खाऊंगी, क्या बच्चों को खिलाऊंगी। ऐसे बहुत कष्ट से, बहुत दुखी होकर, आंसुओं को पीते हुए, बहुत वियोग से देखती, घर में कुछ पहले का पड़ा है, तो देखती है कि बाजरा और मक्का थोड़ा सा पड़ा है और साग उसके खेतों में है। तो साग तोड़ कर ले आती है और मक्का और बाजरा को मिलाकर रोटी बना लेती है, या लिट्टी कहें तो लिट्टी रोटी बना लेती है। उसके बाद वो खुद भी खाती है, बिना लहसुन प्याज का ही बनाती है, और वो सुबह स्नान कर चुकी थी बाल धोकर। तो इस तरह से सभी को व्रत भी करना चाहिए। तो वो जो है रोटी खुद भी खाती है और भगवान के लिए भी रसोई घर में ढककर रख देती है, और एक गिलास पानी भी साथ में रख देती है। ऐसी मान्यता है कि उस दिन भगवान गणेश आएंगे और हमारे घर जो भी हम खाते हैं भगवान भी खाएंगे, इसीलिए उन्हें बहुत श्रद्धा से, प्रेम से वो रख देती है। ऐसा करने के बाद जो है वो सोने को चली जाती है, लेकिन नींद कहाँ से आए, वो तो भूखी थी, पूरा पेट भी नहीं भरा था, बच्चों को भी खिलाई, अपने थोड़ा बहुत खाई थी, तो वो करवटें बदलने लगी। तो ऐसा माना जाता है कि गणेश भगवान उस रात उसके घर में आए और बोले, मनई मनई मनई, सोई हो कि जगी हो। तो वो बोलती है नींद में ही, किस नींद में सोएं, किस नींद में मैं जगूं, किस नींद में मैं सोऊं, किस नींद में मैं जगूं, ऐसे वो बोलती है। वो सोचती है कहाँ से आवाज़ें आ रही है, तो यूं ही वो बोल देती है उसके जो जी में आता है। तो गणेश भगवान सुन लेते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, मेरे लिए कुछ रखी हो, कुछ खाई हो, तुम कुछ खाई हो, मेरे लिए रखी हो। तो बोलती, हाँ मैं रोटी खाई हूँ, साग रोटी, और आपके लिए भी रसोई घर में रखी हूँ। तो गणेश भगवान जो हैं रसोई घर में चले जाते हैं और जो भी खाना है बड़ा प्रेम से खा लेते हैं। उसके बाद जो है गणेश भगवान बोलते हैं, ये कथा बहुत ही दिलचस्प इसलिए कहा गया है कि ये कथा बहुत सच में बहुत ही दिलचस्प है। गणेश भगवान बोलते हैं कि मेरा पेट तो गुरगुर गुरगुर कर रहा है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो वो बोलती है, रात में कहाँ जाइएगा, यही मेरे घर में साफ हो लीजिए। तो फिर गणेश भगवान बोलते हैं, ठीक है। अब फिर बोलते हैं, मैं कहाँ पोछूँ। तो वो बोलते, मेरे बालों में ही पोछ लीजिए। तो इस तरह से गणेश भगवान आते हैं, सारे क्रिया करते हैं, उसके बाद जो है गणेश भगवान चले जाते हैं। अब जो है वो नींद में ही बोल देती है जो जी में आता है, इसी तरह उसे समझ में नहीं आता है कि सच में मेरे घर गणेश भगवान आए हैं, फिर वो ऐसे नींद में बोल देती है।
फिर सुबह जब वो उठती है तो क्या देखती है कि रातों रात वो करोड़पति बन गई है। उसके घर में चारों तरफ सोना ही सोना भरा हुआ है। इसके पहले मैं भूल गई कि गणेश भगवान उससे पूछते हैं कि मैं छर छर दूँ कि भर भर दूँ, तो वो बोलती है भर भर दीजिए। तो गणेश भगवान जो है भर भर के देते हैं। तो वो सुबह उठती है तो गणेश भगवान जो भर भर के दिए थे उसे घर में पूरा भरा हुआ मिलता है। पूरा सोना से घर भरा हुआ रहता है और बालों में भी उसके बहुत सुनहले अच्छे बाल सोने जैसे चमकने लगते हैं, हो जाते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो फिर इधर बड़ी बहन सुबह होता है तो सोचती है अभी तक छोटी बहन काम पे नहीं आई, मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, खाना कैसे बनेगा, क्या बात है। वो तो प्रतिदिन एकदम नित्य नियमित समय पर आ जाती है। तो इस तरह का वो सोच कर और सोचती है, उसे तो याद ही नहीं रहता है कि मैंने तो उसे व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए के दिन कुछ दिया ही नहीं खाने पीने को, वो भूल ही चुकी थी। फिर वो जाती है देखने कि छोटी बहन के घर में देख के आती हूँ क्या बात है। तो वो जाती है तो उसका घर तो सोना से भरा हुआ है। तो बोलती बाप रे, इसका तो खुद का इतना धन हो गया है कि अब अपना धन ही नहीं संभाल पा रही, अभी मेरे यहाँ क्या काम करने आएगी। अब पूछती है बहन तुम कौन सा पूजा पाठ की क्या की कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत हो गया। तो सारा जो विधि विधान है सब कुछ बताती है। उसके बाद कि मैं दीदी तुम तो कुछ मुझे दी नहीं थी, तो मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, मैं बहुत रोई बहुत दुखी थी, मेरे बच्चे भी बहुत भूख से तड़प रहे थे। तो जो घर में पहले की बाजरा मक्का पड़ा था उसी से मैं रोटी बनाई, और घर में जो साग उगा हुआ था बारी में अपने आंगन में उसी से मैं साग रोटी बनाकर खाई और गणेश भगवान के लिए भी रसोई में रख दी, साफ सुथरा रसोई को करके। और इस तरह से मैं जो है सो गई। तो गणेश भगवान आए थे तो जो जो हुआ वो बताई कि गणेश भगवान पूछे थे कि सोई हो कि जगी हो, मनी 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 सोई हो कि जगी हो। तो मैं बोली किस नींद में सोऊं किस नींद से जगूं, मैं तो जगी हूँ। उसके बाद भगवान जो हैं बोले मेरे लिए भी कुछ रखी हो, तुम कुछ खाई हो। तो मैं बोली हाँ मैं साग रोटी खाई हूँ, रसोई में भी साग रोटी आपके लिए रखी हूँ। तो इस तरह से भगवान जो है साग रोटी खाते हैं और उसके बाद फिर उनके पेट में गुरगुर होने लगता है। तो बोलते हैं मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, तो बोलती है मेरे घर में ही कर लीजिए। उसके बाद कहाँ पूछूँ, तो मैं बोली मेरे बाल में ही पूछ लीजिए। तो इस तरह से पूरा वृत्तांत बता देती है। तो उसकी बड़ी बहन जो है वो तो लालची थी, ये तो बेचारी दुख की मारी कष्ट की मारी ऐसे की। तो भगवान जो है जो दुख में रहते हैं, जो भाव सिर्फ भावना और भाव देखते हैं कि वो दुख में भी कैसे मेरे व्रत कर रहे हैं, कैसे मुझे याद कर रहे हैं। तो बड़ी बहन के पास तो पहले से ही धन धान्य था, फिर भी और धन पाने की लालच में वो क्या करती है कि उसी तरह जब फिर आता है समय चौथ व्रत का, संकट चौथ व्रत का, गणेश चौथ चतुर्थी का दिन, तो वो जो है उसी तरह सेम जैसे की थी उसकी छोटी बहन वो भी करने लगती है। और रात में उसके घर भी गणेश भगवान आते हैं। तो गणेश भगवान तो जान रहे थे कि इसके पास सब धन धान्य है, फिर भी ये लालच की वजह से ऐसा कर रही है। तो गणेश भगवान बोलते हैं कि जैसे जैसे वो बोलते हैं कि मनई 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 सोई हो कि जगी हो, तो वो भी वैसे ही बोलती किस नींद में सोएं किस नींद में जगूं मैं। उसके बाद भगवान पूछते हैं कि तुम क्या खाई हो मेरे लिए क्या रखी हो, तो वो भी बोलती है कि मैं रोटी साग खाई हूँ, बाजरे मक्के की आपके लिए भी रसोई घर में रखी हूँ। फिर भगवान खा लेते हैं, बोलते हैं मेरे पेट में तो गुरगुर गुरगुर हो रहा है, कहाँ जाऊँ क्या कैसे साफ हूँ क्या करूँ। तो वो बोलती है मेरे ही घर में किसी कोने में कर लीजिए। तब भगवान बोलते हैं कि तुम्हें छर 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 चाहिए कि भर 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 चाहिए। तो उसकी गलती से मुख से निकल जाता है कि भगवान ही बुलवा देते हैं छर 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 चाहिए। तो फिर वो कहाँ पूछूँ, सब चीज़ उसी तरह करती है। फिर अगले दिन वो बहुत एक्साइटेड रहती है, उत्साहित रहती है कि मेरे घर भी पैसा भर जाएगा, करोड़पति बन जाऊँगी। लेकिन जब वो देखती है तो उसके घर में एकदम महक, पूरा घर मतलब कि गंध से दुर्गंध से फैल जाता है, महकने लगता है, मतलब अजीब सा होने लगता है, और उसके बाल भी बहुत गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह से वो बहुत दुखी होती है, दौड़ी दौड़ी अपनी छोटी बहन के पास आती है कि हे बहन
कैसा ये गंध से भरा हुआ मेरा घर हो गया है, कैसे नियम बता दी मैं, कैसे मैं तो सब कुछ वही विधि विधान की थी, व्रत रखी थी, सब कुछ मतलब ऐसे ही कर रही थी, नहाए खाए का सारा नियम का पालन कर रही थी, फिर मेरे घर ऐसे कैसे हो गया। तो फिर तब छोटी बहन बोलती है कि दीदी उस दिन तो आपने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया था, मैं बहुत दुखी थी, बहुत रोई थी, और दुख की वजह से मैं जो साग रोटी जो जुड़ा मेरे घर में जो मेरे पास था उसी से मैं अपना नियम की उसी को खाई या उसी को भगवान के लिए रख दी, लेकिन आपके पास तो सब कुछ था, फिर भी आप और अधिक धन पाने की लालसा में ये व्रत की, इसी से लगता है कि भगवान गणेश भगवान क्रोधित हो गए हैं, इसलिए अब आप के साथ मतलब ऐसा हुआ। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। कष्ट में है कोई इंसान, दुख में है, वो पूजा की सामग्री नहीं जुटा पा रहा है, कुछ खा नहीं पा रहा है, तो वो पानी पीकर ही भगवान का पूजा कर के रह जाता है, कुछ भी खा कर मतलब रह जाता है, और उस पर भगवान प्रसन्न हो गए कुछ दे देते हैं, इसका मतलब हमारे पास सब कुछ है, तो हम भी ऐसा ही ना करें, अत्यधिक लालच ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और व्रत के दिन 21 जनवरी शुक्रवार के दिन ये कथा अवश्य सुने। धन्यवाद। जय गणेश भगवान की।